हमारा गुरु ठीक हो जाएगा। हाँ अश्विनी, तुम्हारे प्यार और आस्था ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तुम्हारे प्यार से और हम सबकी देखभाल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब ने मिलकर उसे, खासतौर पर मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा। पता नहीं वो अब हमें माफ करेगा भी या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो? ये हमारा बेटा है। वो माना कि हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वो समझ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हालात ही ऐसे हो गए थे कि हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सब भुला देगा। आश ऐसा हो। विराट कैसे हो बेटे? अभी भी वीकनेस है इसलिए बात नहीं कर पा रहा है। हाँ, इसे आराम करने देते हैं। वैसे भी सबसे जरूरी काम जो था, उस जंगली मुर्गी को उसकी जगह दिखाना, वो तो विराट ने होश में आते ही साथ दिखा दी। तुझे अपनों और परायों के बीच का फर्क पता चल गया। पराये होते ही ऐसे हैं, जहर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। बनते अपने हैं लेकिन होते नहीं हैं। ये सही की तरह हम सब हैं तेरा परिवार। परिवार? किस परिवार की बात कर रही हैं? चुप करके कचरे को बाहर फेंकते हैं ना, कम से कम इतना कहा जाता है कि वो घर का कचरा होता है। तो मुझे घर से बाहर फेंक रहे थे? आप में से किसी के मुंह में से ये निकला नहीं था। तेरी और इस परिवार की तकलीफ का एक ही कारण है, सही। लेकिन तूने उसे भगा के बहुत अच्छा किया बेटा। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सही इस घर में नहीं आई थी ना, वैसा। और तू भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घर लौटेगा। फिर ये सब जो भी हुआ हम भूल कर फिर से पूरा परिवार हंसी खुशी रहेंगे। एक बात समझाइए, जब जंगल में आग लगती है तो सारा दोष हवाओं का ही होता है। उस सूखी घास में से भरोसे की नमी निकल गई, उसका क्या? हाँ काकू, हरी घास में कभी आग नहीं लगती है। अगर आपको मुझ पर, आपकी परवरिश पर भरोसा होता तो आप किसी को भी मुझे घर से निकालने नहीं देती। बेटा, सही के हमारे घर में आने से पहले हम सबको तुझ पर बहुत भरोसा था। मैं तो आग बंद करके तुझ पर भरोसा करती थी ना, लेकिन उस सही ने हमारे दिमाग पे तेरे खिलाफ जहर भर दिया और हमारा भरोसा टूटा। मतलब बचपन से लेके आज तक जो भरोसा कमाया वो एक लड़की के 3-4 कही बातों से खत्म हो गया। गुड, सही है। बेटा, दूध के पतीले में जब नींबू की एक बूंद भी गिरती है ना तो दूध फट जाता है। खून की बात हो रही है यहाँ पर काकू, खून की। और आप भी जानती है कि खून में मिलावट नहीं होती है, और आपने अपने ही खून पर शक किया, अपने खून पर। आपने मुझे घर छोड़ने को कहा और मैंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा है, के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए। और तू, आज तुझे तेरे अपने इस भाई की बहुत फिक्र हो रही है। उस दिन क्या हुआ था याद है ना? क्या कहा था तूने? अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया है और तू सिर्फ और सिर्फ सही के बारे में सोचेगा।
शिवा तो जीवा और शिवा का रिश्ता तो बहुत पहले खत्म कर दिया था तूने। थोड़े मिलने से गला दबाने पर उतर आया था तू। दबाना गला, दूर क्यों खड़ा है? दबा ये मोहित, तुझे क्या हो गया? तूने आते वक्त मुझे गलत नाम से पुकारा, मेरा दादा कहा तूने। मैं दादा नहीं हूं, सिर्फ विराट हूं, भूल गया? इसी गलती मत कर दोहराना। दादा कहलाने के लायक नहीं हो ना मैं। दादा मत कहना, कभी मत कहना मुझे दादा। और भी कुछ कहा था ना तुमने? क्या कहा था? हाँ, मैं तो इतना कमजोर इंसान हूं कि मुझ में खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है, है ना? तो पुलिस भी बुलाने वाला था, हथकड़ी पहनाने वाला था, जेल भिजवाने वाला था। बुलाना क्या हुआ? ए, इधर देख, नीचे क्यों देख रहा है? जो हद पार करनी पड़ जाए मैं करूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और आप काकू, अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यहां तक कि आपको मेरा दुख दर्द कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही ने मुझे घर से दफा होने को कहा था ना, है ना? तो अपनी इस तकलीफ, अपने दुख को लेकर इस घर से दफा हो जा। तू इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। देवी ताई, इधर देख, मैं तो तेरा गंदा भाई हूं ना। आपने तो ये भी कह दिया था ना कि मैं भाई कहलाने की लायक नहीं हूं। तू ना मेरा गंदा भाई है। तू गंदा नहीं, तू तो मेरा भाई नहीं है वीरू। भाई? मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, तुझसे कभी बात नहीं करनी। सॉरी वीरू, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ कर दे वीरू। मैं तेरी ताई हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दे वीरू, प्लीज वीरू। देवी शांत हो जा। इन्हें चुप क्यों करा रही हैं आप? बहुत गर्व हो रहा होगा ना आप दोनों को कि आपका बेटा मोहित मेरे जैसा नहीं बना। बनेगा भी कैसे, आखिर रिश्ता ही क्या है हमारा? नहीं, डिसोन जो कर दिया है आप दोनों ने। वैसे कैसा चल रहा है आपका बिजनेस काका? हाँ, अच्छा चल रहा है ना? अब मेरी वजह से आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा पर बात नहीं बनाई है ना? वो अखबार में छपा दिया ना आपने, जवान खानदान का विराट जवान से। सॉरी सॉरी, मुला माफ करा, जवान नहीं, विराट जवान नहीं, सिर्फ विराट, ओनली विराट। आपने छपा दिया ना कि जवान खानदान का विराट से कोई लेना देना नहीं है, छपा दिया ना आपने काका? अरे छपा दिए तो शक्ल क्यों इतनी उतरी हुई है? आप सबकी इच्छाएं पूरी हो गई है, खुशियां मनाइए, पार्टी मनाई।
बाबा आप वहां चुप क्यों खड़े हैं पीछे एकदम? देखो बेटा, बेटा याद है ना आपने क्या कहा था कि अब इस दुनिया में आपका कोई बेटा नहीं है, याद है ना? आपने ये भी कहा था कि आपने मुझे अपने घर, अपने दिल, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये भी कहा था आपने कि आपका अंतिम संस्कार ना किया जाए, मैं मर चुका हूं आपके लिए। याद है ना? अगर तुम्हें मेरे मरने की भी खबर मिले ना तो लौट कर मत आना, मेरी चिता को आग देने का भी हक नहीं है तुझे। बस बस बहुत हो गया। जब यहां खड़े किसी भी शख्स को मुझ पर भरोसा था ही नहीं तो अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दीजिए। ये बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुझे आप में से किसी से बात नहीं करनी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना? अकेला छोड़ना बखूबी आता है ना आप सबको? अब सबके लिए मर चुका हूं मैं। विराट, मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।